नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम आपको टोंक जिले के हथौना गांव में स्थित हरे कृष्णा विलेज लेकर चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, हरे कृष्णा विलेज जयपुर के फार्म प्रोजेक्ट के तहत हरे कृष्णा विलेज टोंक का निर्माण किया गया है। दोस्तों, हरे कृष्णा विलेज का निर्माण सादा जीवन उच्च विचार के वाक्य को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है। किस प्रकार एक सादा जीवन रखना और अपने विचार की उच्चता रखना जीवन में कितनी आवश्यक है, यह गांव इसी को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। हरे कृष्णा विलेज के मुख्य निर्माण में यहां का गुरुकुल, भक्ति वेदांत गौशाला, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, गार्डन, मंदिर और नेचुरल फार्मिंग महत्वपूर्ण है। यहां के गुरुकुल और वर्णाश्रम श्रीला प्रभुपदा की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित हैं, जहां पर छोटे बच्चों को वैदिक शिक्षा और आश्रम व्यवस्था के आधार पर शिक्षा दी जाती है। यहां की गौशालाओं में गायों की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है और उन्हीं के दूध घी से समस्त हरे कृष्णा विलेज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। श्रीला प्रभुपदा अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि उतना ही उगाना चाहिए जितना अपने लिए पर्याप्त हो और सभी व्यक्तियों को स्वयं के लिए अपना भोजन का उत्पादन स्वयं करना चाहिए। उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की जाती है। विलेज का मुख्य आकर्षण यहाँ का राधा माधव मंदिर है, जो लगभग 1 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है और गांव में निर्माण की गई वास्तुकला में सबसे अनूठा और नया है। जयपुर और टोंक दोनों ही जगहों से हरे कृष्णा विलेज की दूरी बहुत कम है और आप आधे से 1 घंटे के सफर के बाद यहां पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा विलेज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के मोटिव पर आधारित है, जहां सिंपल लिविंग का मतलब गायों और कृषि साधनों से अपने शरीर की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति और हाई थिंकिंग का मतलब अपने आध्यात्मिक जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना। इसी विश्वास और इसी मोटिव के आधार पर यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जीता है और इस आदर्श वाक्य को फलीभूत करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। तो दोस्तों, हरे कृष्णा विलेज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप भी हरे कृष्णा विलेज जरूर आए। हरे कृष्णा, हरे राधे।